दोस्तों नमस्कार। आज है सोमवार 24 जून सन 2024। आज के एपिसोड में हम चर्चा करेंगे, किसान संगठनों ने वित्त मंत्री से गुहार लगाई है कि कृषि उत्पादों पर के निर्यात पर लगे प्रतिबंधों को तत्काल प्रभाव से हटाना चाहिए, यानी ये रिपोर्ट विस्तार से। दोस्तों खबर निकल के आ रही है कि केंद्र गेहूं, चावल, चीनी के निर्यात के प्रतिबंध से लगभग 4 अरब डॉलर के नुकसान होने की संभावना है, जबकि प्याज के निर्यात से किसान काफी हद तक परेशान हैं। जानिए पूरी रिपोर्ट विस्तार से। दोस्तों इससे पहले हम आगे चलें, आपसे एक विनम्र अनुरोध, आपने हमारे चैनल को 1,50,000 से ज़्यादा रजिस्टर्ड यूजर, 1,25,00,000 से अधिक व्यू, 7,800 शो वाला ये चैनल आपके आशीर्वाद और सहयोग से बना है। मैं पूरी टीम की तरफ से आपको बधाई और धन्यवाद प्रेषित करता हूँ। दोस्तों साप्ताहिक न्यूज़लेटर सर्विस ₹3,000 वार्षिक शुल्क पर उपलब्ध है। इसमें प्रतिदिन आपको मंडियों के ताजा भाव और साप्ताहिक 3 या 4 कमोडिटीज के बारे में विश्लेषण उपलब्ध हो पाएगा। इसके लिए आज ही संपर्क करें, नंबर स्क्रीन पे दिए गए हैं। दोस्तों खबर निकल के आ रही है कि नई दिल्ली में आगामी आम बजट 2024-25 से पहले किसान संगठनों के प्रतिनिधि और कृषि अर्थशास्त्रियों ने वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण से मुलाकात की और किसान लॉबी ने कई कृषि उत्पादों पर निर्यात पर लगी रोक हटाने की मांग भी कर डाली। इंडियन चैम्बर ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर के अध्यक्ष एमजे खान ने निर्यात प्रतिबंध हटाने की जरूरत पर बल दिया। ये भी ध्यान देने वाली बात है कि हमारा कृषि निर्यात का हिस्सा ग्लोबल कृषि निर्यात का केवल 2% है। कुछ कृषि उत्पादों पर प्रतिबंध के कारण हमारा निर्यात कम हो गया है। गेहूं, चावल और चीनी जैसे प्रमुख कृषि उत्पादों के पर व्यापारिक प्रतिबंध के कारण भारत का कृषि निर्यात 4 अरब डॉलर की गिरावट का सामना करना पड़ा और हमें बिना सोचे समझे की जाने वाली प्रतिक्रियाओं से बचना होगा और निर्यात को केंद्र बनाने पर ध्यान केंद्रित करना पड़ेगा। साथ साथ कृषि अर्थशास्त्र के प्रख्यात प्रोफेसर अशोक गुलाटी का कहना है, भारतीय खाद्य निगम द्वारा रखे गए चावल के भंडार के अधिशेष पर प्रकाश डाला और सुझाव दिया, चावल निर्यात खोलना प्राथमिकता होनी चाहिए। उन्होंने प्याज के निर्यात पर लगे प्रतिबंध को तुरंत हटाने की जरूरत पर भी जोर दिया। दूसरी ओर भारतीय किसान संघ के अध्यक्ष श्री बद्री नारायण चौधरी ने लॉन्ग टर्म कृषि नीति और कृषि क्षेत्र में बेहतर डाटा संग्रह करने के लिए भी आह्वान किया। हमारे पास कोई कृषि नीति नहीं है, सरकार को कृषि क्षेत्र के डाटा एकत्र करना शुरू करना चाहिए, ऐसा बद्री नारायण चौधरी जी ने कहा। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण एपीडा के अनुसार इसकी सीमा के तहत निर्यात 9% की उल्लेखनीय गिरावट आई है। भारत सरकार द्वारा निर्यात पर प्रतिबंध लगाने का उद्देश्य रिटेल कीमतों के बीच उपभोक्ताओं को राहत पहुंचाना रहा है। चावल, चीनी और प्याज जैसे प्रमुख कृषि उत्पादों के प्रोडक्ट की खुदरा कीमतों में जबरदस्त वृद्धि को काबू रखने के उद्देश्य सरकार ने कड़े कदम उठाते हुए निर्यात पर प्रतिबंध लगाया था। जुलाई 2023 में एक महत्वपूर्ण कदम से बढ़ती कीमतों पर चिंताओं को दूर करने के लिए सभी गैर बासमती चावल के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। इसके अतिरिक्त उबले चावल के निर्यात पर 20% शुल्क लगाया गया था शुरुआत में अक्टूबर 2023 तक, फिर इसे बार मार्च 2024 तक बढ़ा दिया गया था। यह हस्तक्षेप उपभोक्ताओं की सामर्थ्य सुनिश्चित करने और कृषि उद्योगों को समर्थन देने के बजाय संतुलन बनाने पर किए गए थे। गौरतलब है कि चावल, दाल, इनके दाम आकाश छूने लगे थे, इनके भावों पर नियंत्रण रहे और देश में इसकी पर्याप्त उपलब्धता रहे, ऐसे समय पे निर्यात पर रोक लगाई गई थी। लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि जब भाव बढ़ते हैं तो निर्यात जैसे पे प्रतिबंध या फिर उच्च निर्यात शुल्क लगाया जाता है,
लेकिन जब भाव घटते हैं तो उस दशा के अंदर कोई विशेष कार्य नहीं होता है। उदाहरण के लिए यदि खाद्य तेलों में देखें तो सोयाबीन के दाम पिछले रसातल पर हैं, लेकिन उसके बावजूद भी खाद्य तेलों पर आयात शुल्क नहीं लगाया हुआ है, जबकि आयात शुल्क हटाने की प्रक्रिया तब की गई थी जब सोयाबीन सरसों के दाम 8000 से ऊपर थे। लेकिन आज के दाम चेक कीजिए, उस समय के दाम तय कर दिए, उसके बाद आयात शुल्क नहीं लगाया गया। जब दाम घटते हैं तो भी सरकार को किसान और व्यापारियों का हित देखना चाहिए, जब बढ़ते हैं तो उपभोक्ताओं का हित देखना चाहिए। तो दोस्तों ये कहना है कुछ व्यापारी और किसानों का। किसानों का कहना यहाँ तक है कि जब प्याज 1 रुपये किलो बिकता है उस वक्त कुछ बात नहीं होती, जब दाम बढ़ते हैं तो 25 तरह की भाव को नियंत्रण करने की कोशिश की जा सकती है। जबकि होना ये चाहिए कि एक कृषि नीति आयात या निर्यात की नीति बनाना निश्चित करना पड़ चाहिए कि इन दामों से ऊपर यदि भाव बढ़ते हैं तो आप निर्यात पर आप प्रतिबंध लगाएं या ड्यूटी बढ़ा दें या लगा दें। लेकिन इस स्तर से भाव नीचे गिरते हैं तो आपको आयात शुल्क लगाना चाहिए, इंपोर्ट ड्यूटी लगानी चाहिए, ताकि सस्ते विदेशी कृषि उत्पाद भारत में आकर भारतीय किसान एवं व्यापारियों को परेशान ना करें। ये दो तरफा बात होनी चाहिए, ऐसा कहना है कुछ किसान और व्यापारियों का। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।